The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. उज्जैन प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोग बने किन्नर हिंदू बताकर अवैध वसूली मंदिर परिसर में कर रहे नहीं देने पर कपड़े उतारकर नंगे होने की धमकी भी दे रहे हैं। हिंदूवादी नेता रूपेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नरों के माध्यम से होटलों के माध्यम से ऑटो के माध्यम से बड़ी लूट चल रही है और एक प्रकार का बड़ा जिहाद हिंदुओं के साथ चल रहा है। ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को कार्रवाई कर हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाना चाहिए। आए दिन बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ किन्नर अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, नहीं देने पर कपड़े उतारने की भी धमकी दर्शनार्थियों को दे डालते हैं। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। कौन है आपके गुरु? बोलना तो बहुत परेशान कर रहे हैं, नहीं बोलना। आप मीडिया के सामने ये मैडम हमारी वीडियो कर रही, उसके बाद में हमें अनशन गाली बक रही है। परेशान है क्या? इधर आ जाओ सब जन और बोलो। कोई परेशान है हमसे? कोई परेशान है हमसे? बताइए किस प्रकार की बदतमीजी आपके साथ हुई और किन लोगों ने की? हम यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ में, मेरे बालक के साथ में हम दर्शन करने आए थे महाकाल मंदिर पे, तो यहाँ जो किन्नर उन बैठे वो हमसे पैसे मांगने लग गए। हमने कहा किस बात के लिए पैसे मांग रहे हो हमसे आप? तो हमने उन्हें मना किया कि हमारे पास कोई पैसे ऐसे नहीं है। तो हमारे ऊपर ताली बजाने लग गए और कपड़े उतारने की धमकी देने लगे। तो मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाया तो मेरे फ्रेंड को कहने लगे, बोले कि आप कपड़े उतार रहे हो तो हम आपका वीडियो बनाएंगे। तो वो यूँ कहने लगे कि वीडियो क्यों बनाओगे हमारा ये नहीं। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन से गुरु हैं, आपके कौन से चेले? तो बोलते हम खुद ही गुरु हैं, हम खुद ही चेले हैं और हमारा तो यही काम है वसूली करने का, पैसे दो यहाँ पे, यहाँ से हम अंदर नहीं जान देंगे आपको। तो मैंने कहा हम कोई नहीं, हमारी शादी थोड़ी ना हुई हम पैसे दें। ठाकुर साहब बताइए, आपके द्वारा बताया गया कि किन्नरों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, किस प्रकार की वसूली नज़र आ रही है? देखिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं कि एक जिहाद जो हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, जिहाद एक तरह का जिहाद नहीं है कि हम इसको लव जिहाद मान लें। लव जिहाद तो है ही, अभी इसमें चार तरह के जिहाद चल रहे हैं। एक मुस्लिम जो किन्नर बनके, मतलब हिजड़ा बनके नेक हिंदुओं से मांगता है। वो अभी आपको पता चला होगा कि दो दिन पहले एक बाहर के दर्शनार्थी से ज़बरदस्ती अवैध वसूली की गई। तो दर्शनार्थी थोड़ा समझदार व्यक्ति था, महिला समझदार थी, तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया और उसको पकड़ा, तो वो मुस्लिम निकला किन्नर। और वैसे 100% मुस्लिम किन्नर ही रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और अवैध वसूली वहाँ तो चल ही रही है और मैं आपको चार पांच तरह के जिहाद गिनाऊंगा उज्जैन। एक तो अपना महाकाल मंदिर, वहाँ पे आए दिन उगाई की जा रही है। जो किन्नर है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसमें ऑटो जिहाद और एक होटल जिहाद। आपको पता होगा कि मुस्लिमों की 100 से 150 होटलें महाकाल क्षेत्र में हैं, मगर सभी होटलें मुसलमानों की, वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से है, हिंदुओं के नाम से है, और उसमें ऑटो वाले उसमें मिले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो एक जिहाद कौन सा है कि जो भी दर्शनार्थी आता है तो सीधे होटल मुसलमान की बुक कराते हैं ऑटो वाले, इनका बड़ा भारी कमीशन रहता है। तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा, एक तो जो मालिक है उसका प्रोपराइटर में उसका नाम होना चाहिए। जैसे कई रेस्ट हाउस बने हैं जो मुस्लिमों के, जो हिंदू देवी देवता के नाम से बने हुए हैं। दूसरा तीसरा जिहाद बैंड जिहाद, आप जाओगे बैंड सब मुसलमानों के हैं, तो किसी बैंड का नाम है महावीर बैंड तो मुस्लिम का, कृष्ण मालवा बैंड ये भी मुस्लिम का, भारत बैंड ये भी मुस्लिम का, श्री राम बैंड ये भी मुस्लिम का। तो आखिर मुसलमान चाहता क्या इस देश का? खाता हमारे देश का है, हमारे हिंदू देवताओं के नाम का खाता है, उसके बाद हम लोगों के साथ गद्दारी होती है, खाते हैं यहाँ की बजाते हैं ये लोग पाकिस्तान की। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसमें भी 420 का केस होना चाहिए। जैसे ये लोग इस्लाम और अल्लाह की बार बार बात करते हैं, तो आप उनके नाम लिखो होटलों पे, अल्लाह होटल, इस्लाम होटल, खुदा होटल, हमारे भगवान का पीछा छोड़ो। मैं इनको सबको बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति के बिना, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को रोटी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सरकार से अनुरोध है कि इस टाइप जो हमारा भगवान महाकाल है विश्व प्रसिद्ध है,
विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल के वहाँ जो दर्शनार्थी आता है, एक तो ऑटो वाले ठग लेते हैं, दूसरा होटल वाले ठग लेते हैं, वो तीसरा ये किरणन टाइप के लोग जो छक्के हैं ये लोग ठग रहे हैं। तो हमारी छवि धूमिल हो रही है पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह इसके खिलाफ भी कोई सख्त कानून बने और होटलों के बाहर उनका नाम लिखा जाए जो मालिक है उसका, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।